नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप किस प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि बनकर आएंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना लाई हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन सितंबर 2020 में होना है और यदि आप इस परीक्षा के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है उसको गंभीरता के साथ नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सफलता में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। कई युवा साथी जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2016 दे रहे हैं, वह यह सोच रहे हैं कि मैं यदि इसमें असफल होता हूं तो 2020 की परीक्षा बेहतर तरीके से दूंगा। तो साथियों, इसी क्रम में आप सभी को अवगत कराना है कि आपका यह सोच आपकी असफलता का कारण हो सकता है। जब मेरे द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2010 दिया गया था, उसी दौरान समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2013 का भी आयोजन कुछ समय अंतराल के बाद किया गया था, लेकिन मेरी यह दृष्टि कदापि नहीं रही कि यदि मैं कोई तैयारी में कोर कसर कर दूं तो मुझे 2013 वाले परीक्षा में सफलता का मार्ग मिलेगा। मैं बस एक ही दृष्टि लगाई कि मुझे प्रत्येक दशा में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2010 में न सिर्फ पास होना है बल्कि अपना रैंक भी बेहतर करना है। इसलिए मैं अपने परिश्रम को पूर्ण परिश्रम में कन्वर्ट करके मैं 100% की तैयारी की। आप सभी युवा साथियों द्वारा लगातार आप सभी से वार्ता हो रही है, कई लोग मेरे कांटेक्ट में भी हैं और उनसे चर्चा भी हो रही है और उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैडम कोई बात नहीं, यदि मैं इस परीक्षा में असफल हो जाता हूँ तो निश्चित रूप से 2020 वाले परीक्षा में सफलता के साथ मैं सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि बनकर आऊँगा। तो आप सभी साथियों को अवगत कराना है कि यह सोच आपकी गलत है। आप वर्तमान का पहले सोचें, उसके बाद भविष्य का सोचें। यदि सामने आपके परीक्षा 2016 का पड़ा है तो आप 20 का ना सोचें। आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि किसी भी तरह मैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करूंगा। जब तक आप अपनी दृष्टि को सफलता के करीब नहीं लाएंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। और साथियों, कुछ भी असंभव नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपना 100% परिश्रम अपने परीक्षा के लिए देना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि किस परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। साथियों, आप सोचिए 2010 वाले परीक्षा में मात्र 13 पद सचिवालय के लिए था। यदि मैं यह सोची होती कि मैं 2013 वाले परीक्षा पर ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि उसमें तो बहुत सारे 300-400 पद समीक्षा अधिकारी के लिए, तो क्या आज मैं इतना बेहतर अंक के साथ सीनियरिटी में इतना ऊपर होती? कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि आपकी सफलता का पर्याय होता है। इसलिए आप सभी को यही मार्गदर्शन देना है कि आप 2016 वाले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले परीक्षा पर अभी से गंभीर हो जाइए क्योंकि अभी समय निकला नहीं है, बहुत समय है, बशर्ते आप मार्गदर्शन के साथ अपने परिश्रम को 100% में कन्वर्ट करें। निश्चित रूप से साथियों, आप सफल होंगे क्योंकि आपके भीतर तो वह ऊर्जा, वह ओज, वह जोश है कि आप यदि वर्तमान में अपने परिश्रम को 100% देते हैं तो जरूरी आप सफलता के साथ बेहतर रैंक भी पाएंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप अवश्य सितंबर के परीक्षा के प्रति गंभीर होंगे और अभी से लग जाएंगे तैयारी में, और साथ में मेरे द्वारा लगातार आप सभी को महत्वपूर्ण क्लास लाया जा रहा है, विशेषण से संबंधित, तद्भव, तत्सम, विलोम आदि से संबंधित, जो तमाम सामान्य हिंदी और भूगोल से संबंधित विषय है उससे संबंधित क्लास लाया जा रहा है। यदि आप उसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगा। तो इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही 2016 वाले परीक्षा के प्रति गंभीर होंगे और निश्चित रूप से आप बेहतर रैंक के साथ सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनकर आएंगे। मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।